वेलकम बैक टू माय चैनल हिना डिज़ाइनिंग एंड स्टिचिंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्यूटीफुल शरारा सेट। फ्रेंड्स, ये मैंने सूट की बचे हुए कपड़े से बनाया है, जो हमारी कमीज़ के साइड में से पट्टियाँ बच जाती हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। बहुत ही प्यारा ये शरारा सूट है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा लेसेस वगैरह का यूज़ नहीं किया गया है, बस मैंने इसको ग्रीन, मरून और ऑफ वाइट कलर में बनाया है। आपके पास अगर इसी तरह के कोई बची हुई फैब्रिक की पट्टियाँ हों तो आप डिफरेंट कलर को सीक्वेंस में लेके और उनसे इस तरह का शरारा सूट बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये 2 साल की बच्ची का है। अगर आप इसकी, मैं इसमें इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। अगर आप इसकी डिटेल कटिंग चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैंने ये बचे हुए कपड़े को जोड़ जोड़ कर बनाया है, इसलिए मैंने इसकी इसमें जितना हो सका उसको कवर किया है, कटिंग को और स्टिचिंग को। और इसमें ज़्यादा कोई मैंने जोड़ तोड़ नहीं लगाए हैं। ऊपर मैंने सिर्फ एक ये 1 कट के साथ इसको रेडी किया है। इसको सिलना बहुत ही ईजी है। ये देखिए, आप बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ बची हुई लेसें हैं जो दुपट्टे में 7 मीटर हम लेते हैं उसमें से भी बच जाती है। और ये कुछ पुरानी लेसेस हैं जो अभी यूज़ में नहीं आ रही थी, तो मैंने इनसे एक डिज़ाइनर शरारा बना दिया। ये आप देखिए, ये कॉटन सिल्क का फैब्रिक है। इसमें साइड में से कमीज़ की पतली पतली पट्टियाँ बची हैं और वो सिल्क का फैब्रिक है, इसमें से चौड़ी पट्टियाँ बची हैं। मैंने इनको उसमें से कट कर लिया है। डबल डबल है, ये मरून वाली पट्टियाँ भी और ये ऑफ वाइट वाली भी। ऊपर का पार्ट मैंने ग्रीन रखा है और मैंने उसमें अस्तर लगा के उसको पिनअप कर लिया है। आप अपने बच्चे के कपड़े से नाप लेकर इसको बना लें। अब इसमें ये कपड़ा सिल्क का होता है, फिसलता बहुत है, तो जब अगर इसमें अस्तर लगाएं तो ऊपर वाले पार्ट में तो ज़रूरी अस्तर लगाएं और उसको पिंस वगैरह से अटैच कर लें ताकि सिलने में कोई परेशानी ना हो। मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है सबसे पहले और फिर उसके बाद नेफा बनाया है। आप इसमें इलास्टिक या कमर कुछ भी बना सकते हैं, डाल सकते हैं बच्चों के लिए। छोटे बच्चों के लिए इलास्टिक ही बेटर रहती है। अब हम यहाँ से इसमें ये फैब्रिक को अटैच करेंगे। ये मैंने चुन डाल के पहले से ही इसके नाप का करके रख लिया है, क्योंकि लेस के साथ इसको जोड़ने में बहुत परेशानी होती है। ये मोती वाली लेस बहुत फिसलती है, इसलिए मैंने इसमें पहले ही चुन डाल के रेडी कर लिया था इसके नाप का। आप अपने अकॉर्डिंग कपड़ा जो भी आपके पास है उसको यूज़ करें, जैसे उसमें चुन ज़्यादा आ सकती हैं या कम आ सकती हैं। पहले आपको मेन फैब्रिक लेना है, फिर आप बीच में उसके लेस को रखेंगे। ये लेस के मोती ऊपर की साइड करके और देख लीजिए फ्रेंड ठीक से। और यहाँ पे आप ये वाला ऑफ वाइट वाला कपड़ा लगाएंगे और फिर यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड, सिलाई लग चुकी है। अभी ये बना भी नहीं है, ये अभी से इतना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, चुन भी बहुत अच्छी आई हैं। फ्रेंड्स, जब हम 3 लेयर का बनाते हैं कुछ भी फ्रॉक शरारा, तो उसमें हम नीचे का पार्ट बड़ा लेते हैं, ऊपर का उससे छोटा और फिर उस ऊपर का उससे छोटा। एक यहाँ फिनिशिंग के लिए सिलाई लगा लें और मैं यहाँ पर भी इसमें दूर दूर चुन डाल रही हूँ। मैंने ये ज़्यादा छोटा फैब्रिक नहीं लिया है, यहाँ चुन डालने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं इसको एक अलग लुक देने के लिए और जो मेरा वेस्ट कपड़ा है वो भी यूज़ हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसमें यहाँ पर दूर दूर चुन ले रही हूँ, क्यों वरना मेरे शरारे में बहुत घेर आ जाएगा, तो मुझे उसका घेर थोड़ा कम ही रखना है, ऊपर से कम और नीचे से ज़्यादा। ये देखिए, मरून वाली पट्टी पे मैंने पहले ही लेस लगा के रेडी कर लिया था। अब मैं चुन और लेस के साथ इसको भी अटैच कर दूँगी। ये देखिए, ऑफ वाइट वाला कपड़ा है पहले, फिर उसके बाद मैं लेस रखूँगी मोती ऊपर की साइड करके और चुन के साथ इसको स्टिच कर दिया है। बहुत इजीली आप इसको घर में बना सकते हैं। ये देखिए,
ये रेडी हो गया। अब फ्रेंड्स ये ग्रीन वाले कपड़े की कुछ पट्टियाँ बच रही थी, मैंने इनको भी यूज़ कर लिया है। वैसे ही इनके बिना भी कंप्लीट ही लगेगा, लेकिन इस तरह आप पीको करके और उसको फ्रिल लगाएं। ये 1-1.5 इंच का कपड़ा है तकरीबन। ऐसे आप पहले इसको रखें और फिर ये इसमें फ्रिलिंग कर दें ऐसे। अगर ये ज़्यादा दिखेगा ग्रीन वाला तो भी अच्छा लगेगा, लेकिन मैंने इसको सिर्फ उतना ही शो किया है जितना मोती इसके ऊपर रहे बस। ये जब चलेंगे छोटे बच्चे या कोई बड़ा भी पहनेगा इसे तो चलने में बहुत अच्छा लगेगा। ये कमीज़ का कपड़ा है फ्रेंड्स। ये भी मेरे पास पतली पतली पट्टियाँ थी जिनको मैंने जोड़ की वजह से लेस लगा दी है। और ये मेरा एक आर्म होल में से बचा हुआ कपड़ा है। अगर आपके पास इस तरह का कोई फैंसी कपड़ा है तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें। ये देखिए मैंने इसमें से ये राउंड कट करके काट लिया है, आप चकोर भी लगा सकते हैं। अगर आप कटिंग की वीडियो कहेंगे तो मैं दोबारा कोई शरारा सूट की कटिंग लेकर आऊँगी। ये तो मैं अभी आपको ये थोड़ा रेडी भी हो चुका है, लेकिन ये पट्टियाँ मैंने ग्रीन वाली पट्टियाँ भी जोड़ दी हैं इसमें, क्योंकि मुझे ये कपड़ा फिटिंग में थोड़ा कम लग रहा था। ये मैंने 6.5 इंच रखा है। मैंने इसके शोल्डर और इसका आर्म होल सब 4.5 इंच लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें ये कपड़ा गले में अटैच कर दिया है और मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। ये छोटी छोटी लेसें भी हमारे काम आ जाती हैं। अस्तर मैंने इसके ऊपर रखा है। अस्तर लगाने के बाद मैं इस पर एक सिलाई लगाने वाली हूँ और मैं इसको गला उलट के ही रेडी कर लूँगी बस। मैं इसमें बुकरम वगैरह का यूज़ नहीं कर रही हूँ, छोटे बच्चों में इतना नीड नहीं होती। आप कमीज़ का कपड़ा रखें, ऊपर अस्तर रखें, स्टिच कर दें और फिर उसको कट लगा के उल्टा कर दें, बहुत फिनिशिंग से आपका नेकलाइन रेडी हो जाएगा। ऐसा बड़ों में भी कर सकते हैं। ये देखिए ये अब मैं इसको कर्ट्स के साथ पूरी फिनिशिंग दूंगी। ये देखिए हमारा गला ऐसे अटैच हो गया है, अब इसमें कर्ट्स लगा लेंगे। कर्ट्स लगाने से फिनिशिंग आ जाती है और जब आप उसको उल्टा करेंगे तो बहुत सीधा करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका गला रेडी होके आएगा। अगर आप कहीं भी राउंड शेप दें तो उसमें कट्स वगैरह का ज़रूर यूज़ करें। ये देखिए ये गला बहुत ही अच्छा बन के आ गया है। मैंने इसका दामन रेडी करना है। ये मैरून वाली ही पट्टियाँ हैं जिसको मैं इसके दामन में यूज़ करने वाली हूँ, बिकॉज इसकी लेंथ थोड़ी मुझे कम लग रही है। अब मैं इसको चुन के साथ फ्रिलिंग के साथ रेडी करूँगी। आजकल फ्रिलिंग का बहुत चल रहा है ट्रेंड और मैंने वही जो हमारे पास वेलवेट वाली ग्रीन लेस थी ऊपर उसको अटैच कर दिया है। ये देखिए शर्ट रेडी हो गई, कितनी ही प्यारी लग रही है। और इसमें मैंने नीचे वही मोती वाली लेस लगा दी है और स्लीव्स मोती वाले रेडी कर दिए हैं। देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी कमीज़ लग रही है ये शर्ट। लास्ट में मैंने इस पर स्टोन्स चिपका दिए हैं साइड में, इसको एक अच्छा लुक देने के लिए। बहुत ही प्यारा शरारा सूट है, आप ज़रूर से ट्राई करें। और ये ग्रीन वाला कपड़ा मैंने इसमें कुछ भी सिर्फ इसीलिए लगाया है ताकि मैं इसके जॉइंट्स को अच्छे से कवर कर पाऊँ। ये लेस के ज़रिए जॉइंट जो हैं वो इतने खूबसूरत लग रहे हैं, लग रहा है जैसे कि आपने कोई डिज़ाइन डाला हो। अगर आपके पास भी कोई ऐसे ही वेस्ट फैब्रिक हो तो आप उसका ज़रूर इस तरह से यूज़ करें, छोटे बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा शरारा सेट है ये। मैंने पीछे के गले में एक बस स्लिट के साथ हुक लगा दिया है और स्लीव्स में भी वही मोती वाली लेस लगा दी है। छोटे छोटे स्लीव्स जितने बन पाए मैंने
उतने बनाए हैं। दामन में इसके फ्रिलिंग है, आप देखिए ये यहाँ पे चुन के साथ रेडी हुआ है। और वाइट कलर के मोती इसमें बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।